सफीर पाकिस्तान अमेरिका का नामवर प्रोग्राम जिसने अमेरिका में अपनी शोहरत के शानदार प्रोग्राम करके लोगों के दिल जीत लिए और हमेशा के लिए उनके दिलों में घर कर लिया। ये वो वाहिद प्रोग्राम है जिसने तमाम कम्युनिटी को इकट्ठा कर दिया है। ये गौहरे नायाब लोगों को नमाया किया। इस बार गौहरे नायाब जमा हो रहे हैं टेक्सास के मशहूर शहर ह्यूस्टन टेक्सास में, जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है। ये अमेरिका की तारीख में पहली बार पाकिस्तान नॉन रेसिडेंट की ये कौमी सतह का इज्तम है, जिसमें अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर, सीईओ, दानिश्वर, साइंसदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नौजवान, शायर, मीडिया, ये वो लोग हैं जिनकी अमेरिका में तूती बोलती है। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी हुकूमत इन कामयाब तरीन पाकिस्तानी को कदर और इज्जत की निगाह से देखती है, जिन्होंने अमेरिका के हर शुबे हयात में नुमाया किरदार अदा किया है। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? ये आपका जाना पहचाना प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, जो 3 सदियों से अमेरिका की फिजाओं में अपनी राजधानी कायम किए हुए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब सफीर पाकिस्तान और उसकी मेजबान वकील खान की कावशों और कारनामों की मदा है। मुतवातिर 15 सालों से सफीर पाकिस्तान अवार्ड नाइट मुतवातिर जहीन कामयाब पाकिस्तानियों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया करता है। इस साल कौमी सतह की अवार्ड नाइट 12 अप्रैल को ग्रोथ हफ्ता शुगरलैंड मैरियट होटल में मुनक्द हो रही है, जिसमें अमेरिका भर से लोग शिरकत कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी और गल्फ से भी लोग मुतवक्के हैं। अमेरिकी हाई ऑफिशियल पाकिस्तान कौंसल जनरल जनाब इब्रार हाशमी सफीर पाकिस्तान और मारूफ फिल्मी सितारे इस प्रोग्राम की दीनत होंगे। ह्यूस्टन की लीडरशिप ने अपने खलत का इजहार करते हुए कहा, अब मेरी नेक तमन्नाएं हैं आपके साथ। जैसे आपके पहले 9 सेशन हुए हैं, अब इस सेशन के लिए भी मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छे अच्छे नाम जहन में रखे हुए हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक टू दोज हु विल रिसीव दोज अवार्ड्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट इंशाल्लाह इन ह्यूस्टन वंस यू विल ब्रिंग इट हियर। इस मौके पे जनाब कौंसल जनरल इब्रार हाशमी, जिनके लिए ह्यूस्टन की तारीख का ये पहला एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें वो शिरकत कर रहे हैं। सफीर पाकिस्तान की 12वीं अवार्ड नाइट ये एक मीडिया की भरपूर नाइट होगी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मारूफ मीडिया को मदऊ किया जा रहा है। इसमें कामयाब और कामरान लोगों के साथ रंग रंग तकरीर का भी एहतमाम है, जिसे पाकिस्तान की सखावत को पेश किया जाएगा और इसमें मारूफ खानों के मेजबान होंगे जनाब हमारे अपने जाने बचाने इसरार भाई तनपुरा रेस्टोरेंट के, जो एग्जॉटिक फूड पेश करेंगे। इस मौके पे अमेरिकन और ऑस्कर और ग्रामी अवार्ड याफ्ता लोग भी शिरकत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सफीर पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और वक़ार ख़ान साहब को तमाम अमेरिका में देसी कम्युनिटी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 25-30 साल से कम्युनिटी खिदमत की है और कम्युनिटी को एक मकाम पे उठा के लेकर आए हैं। ये अल्लाह इनको इसकी जजा दे। और ये हर साल ये एक अवार्ड नाइट करते हैं जिसमें पूरे अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, जो भी पाकिस्तानी और देसी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, बिज़नेस में अचीवमेंट्स की हैं, फिलंथ्रॉपी में अचीवमेंट्स की हैं या अपने प्रोफेशन में अचीवमेंट्स की हैं, उनको ये अवार्ड देते हैं। और इस साल ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने इस साल ह्यूस्टन को चुना है अपने अवार्ड नाइट्स के लिए, जो कि 12 अप्रैल ह्यूस्टन में शुगरलैंड मैरियट में ये प्रोग्राम मुनक़द होगा और इसमें पूरे अमेरिका से चीदा चीदे शख्सियतें आएंगी, सेलेब्रिटीज़ आएंगे, बिजनेस कम्युनिटी के लोग आएंगे, सक्सेसफुल कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है वो इस प्रोग्राम में शरीक होगी। और ये एक ऐसा शोकेस इवेंट होगा जिसमें पूरी दुनिया के सामने खुसूसी तौर पे नॉर्थ अमेरिका के जो सक्सेसफुल कम्युनिटी के लोग हैं उनको उजागर किया जाएगा और उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के हक में दुआ करें, इस प्रोग्राम में शामिल हों। और वक़ार ख़ान साहब का और सफीर पाकिस्तान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को इतना ऊंचा मकाम दिलाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक़ार भाई, हम तो वेलकम करते हैं आपके इस डिसीजन को एंड एस्टोनियंस आर रेडी एंड वी विल पुट अप अ गुड शो इंशाल्लाह। ह्यूस्टन इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी और काफ़ी पेट्रियाटिक है, आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है और बड़ा अच्छा आपने जो ह्यूस्टन को सिलेक्ट करके, तो बहुत जबरदस्त होगा जिस तरीके से। यहाँ आपको पता है ह्यूस्टन के लोग कितने
चाहते हैं इस किस्म की चीज़ें, तो बड़ा सक्सेसफुल होगा। खास साहब, आपका नाम तो यहाँ पे अमेरिका में नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में इस नाम से मशहूर है, तो आपने जितने लोगों को मुतारफ़ कराया पाकिस्तानी कम्युनिटी को पूरे अमेरिका में जिस तरह मुतारफ़ कराया, तो उसको कोई शख्स भूल नहीं सकता। आपका ये इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत कामयाब होगा और हम सब मिलकर के आपके साथ हैं इसमें, आपके साथ खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुसरत लगारी एंड फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर इनवाइटेड हूँ इस टीम का मेंबर बनने के लिए, तो मुझे यकीन है मैं यहाँ पर बहुत कुछ सीखूंगी क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं और मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। वकार खान साहब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मौका प्रोवाइड किया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मुझे इस इवेंट के अंदर मौका मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है मुझे इस बात की, और इंशाल्लाह आई एम गोना बी प्रमोटिंग दिस इवेंट, सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप एवरीबॉडी इज़ एबल टू एंजॉय इट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, इट इज़ माय पर्सनल प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड ब्रॉट टू द ह्यूस्टन कम्युनिटी बाय नन अदर देन वकार अली खान जी। इट्स कॉल्ड सफ़रे पाकिस्तान and hoping to invite Indian community and Pakistan community to join in this very prestigious award. Looking forward to seeing you all. आज बड़ी यानी कि 22वें मुसर्रत है मेरे लिए आज का दिन, और बड़ी खुशी है कि आज यहाँ सैनपुरा में एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है। मेरे पुराने दोस्तों से आपको बताया, मैं सारा साल से ह्यूस्टन आता रहा हूँ, मुझे मेयर बिल वाइट ने सिटीजन ऑफ द ह्यूस्टन का अवार्ड भी दिया है, मेरा काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे, लेकिन आज जो लोग आए थे उन्होंने मेरा हाथ थामा है और मेरे साथ चलने का वादा किया और कहा है कि इस अवार्ड नाइट को 12 अप्रैल को जो हो रही है कामयाब तरीन बनाएंगे, लैंडमार्क होगी। मैं बड़ा मशहूर हूँ ह्यूस्टन कम्युनिटी का और अपने तमाम दोस्तों का जिन्होंने आज शिरकत की है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, 12 अप्रैल संडे का दिन है और ये शुगर एंड मैरिट होटल में अवार्ड नाइट है, इसमें पाकिस्तान भर से और अमेरिका से बहुत ही कामयाब तरीन लोग शिरकत कर रहे हैं जिनको हम अवार्ड देंगे, और बहुत ही खूबसूरत तरीन इंटरटेनमेंट, हिस्टोरिक इंटरटेनमेंट होगा और एक्सीलेंट फूड होगा तैनपुरा का। और मैं बड़ा मशहूर ममनू जनाब इसरार साहब का कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और कहा कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड सप्लाई करेंगे, और विशाली बेस्ट कोऑर्डिनेटर है इवेंट की, कोऑर्डिनेट करेंगी, डेकोरेट करेंगी इसको, और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग आएंगे तो कैमरे भी से इंतजार करेंगे। आपकी दुआ चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, ताकि ये इवेंट सर चढ़ के बोले और एक लैंडमार्क इवेंट हो, वन ऑफ द काइंड ऑफ द इवेंट हो और एक तारीख जो है वो रकम कर दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कीप वॉचिंग ओपी टी वी ग्लोबल और बी इन टच विद मी ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एनीवेयर एनीवे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। ओपी टी वी, आपका अपना चैनल। Kappa Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kappa Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kappafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.
کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔